हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका किसान बागवान चैनल पे। तो आज का जो मेरा वीडियो है वो है प्रूनिंग के रिगार्डिंग। ये शायद चौथा वीडियो इस सीजन का है। तो इसमें जो है मैं ये वाला पेड़ जो है प्रून करूंगा। आपको मैं दूर से भी इसे दिखा देता हूं पहले, और नज़दीक से भी आपको इसको मैं दिखा दूं। यहां आप देख सकते हैं इस प्लांट को, 7 साल का जो है ये प्लांट है। इसकी प्रूनिंग जो है मैं करूंगा। उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिए, ताकि इस तरह की जो वीडियो है आप लोगों तक पहुंचते रहे। तो इसका भी ये नीचे लास्ट से स्टार्ट करूंगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ से इसको बेंड कर दिया गया था, यहाँ पर आप देख सकते हैं कट किया इसमें, और बहुत सारी जो है पिन्ने इसमें, 4 पिन्ने आ चुकी है। ये वाली पिन जो है वो कुछ ज़्यादा ग्रोथ में है, और ये बिल्कुल 90 डिग्री में ऊपर को है, तो इसको भी मैं फिलहाल निकाल दूंगा। ये वाली पिन पे मुझे डाउट है कि इसमें फूल नहीं आने वाला, ये आप देख सकते हैं, तो इसको भी मैं यहाँ से निकाल रहा हूँ। ये मुझे लगता है शायद फूल जाए, तो इसको मैं रहने देता हूँ, और अगर इसमें सेब लग भी जाएगा तो ये इस तरह से जो है बेंड हो जाएगी। उसके बाद यहाँ आप देख सकते हैं बड है, यहाँ मैंने कट मार दिया था, यहाँ पर जो है 3 बीमे बन चुके हैं। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट है स्टेप है, यहाँ पर बीमे पे इसको रोक दिया था, दोबारा से बढ़ गया, पीछे छोटा सा बीमा बना है, इसको मैंने यहाँ पे रोक दिया। उसके बाद ये आप देख सकते हैं यहाँ पर इसमें पिछले साल कट मारा था, और उसके बाद 2 इसमें जो है पिन्ने आ चुकी है, और ये वाली जो है ज़्यादा ग्रोथ में जा चुकी है, तो इसको मैंने यहाँ से इस तरह से निकाल दिया। उसके बाद देख सकते हैं आप, ये एक और सेकेंडरी है, इसमें 2 पिन्ने इसमें जो है ये ठीक है, सेव वाली मुझे लग रही है, तो इसको मैं रहने दूंगा, बाकी को मैं इस बड़े वाली को निकाल दूंगा। उसके बाद आप ये देख सकते हैं, इसको मैं डाल दूंगा यहाँ से वीक में इस तरह से। वैसे इस तरह 90 डिग्री का नहीं डालना चाहिए, पर मुझे लगता है कि इसमें शायद कहीं ना कहीं जो है सेव आ जाए, फ्लोरिंग हो जाए। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है मैंने इसमें कट मारे थे, यहाँ पर कितने सारे बड बन चुके हैं, 1, 2, 3, 4, और ये भी सेव वाला बड है, ये ज़्यादा ग्रोथ में जा चुका है, तो इसको थोड़ा मैं इस तरह से थोड़ा ऊपर से कट कर दूंगा, ताकि इसमें जो है और पिन्ने यहाँ पर आ जाए। ये आप देख सकते हैं, इसको मैं यहाँ से, यहाँ रिंग था, रिंग के पास से मैंने इसे कट कर दिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये ज़्यादा नहीं भागेगा, इसको मैं रहने दूंगा, ये ज़्यादा ग्रोथ में जा रहा है, तो इसको मैं यहाँ से रोक दूंगा। ये भी ग्रोथ में है, और बाकी इसमें पिन्ने बनी हुई है, तो इसको मैं यहाँ से वीक पे डाल दूंगा, ये आप देख सकते हैं। उसके बाद ऊपर आप देख सकते हैं इसको इस तरह से, यहाँ इस तरह से है ये। तो अगर आपके पौधे में ग्रोथ नहीं है तो आपने जो है ये वाला बीमा जो है निकाल देना है, अदरवाइज अगर ग्रोथ है तो आप इसे ना निकालें। यहाँ से जो मैं इसको हेडबैक दे दूंगा, ये आप देख सकते हैं। तो ये वाला जो पौधा है मेरा हो चुका है, सॉरी टहना हो चुका है। उसके बाद देख सकते हैं आप, ये वाला टहना हमारा यहाँ से चल रहा है, यहाँ बड बन चुका है, यहाँ बहुत सारे जो बड बने हुए हैं, तो इतने बड की मुझे ज़रूरत नहीं है। इसमें जो है मुझे लगता है कि डेफिनेट यहाँ पर जो है सेब है, तो मैं इसे यहाँ से ही रोक दूंगा। और उसके बाद ये देख सकते हैं, ये है बड ग्राफ्टिंग, यहाँ पर बहुत ज़्यादा भाग रही है, इसको यहाँ से वीक पे मैं डाल दूंगा, यहाँ इसको मैं सिंगल कर दूंगा, क्योंकि थोड़ा सा भी इसे जो है मुझे और बढ़ाना है, बाकी इन 3 को मैं यहाँ से निकाल दूंगा। यहाँ आप देख सकते हैं ये ज़्यादा ग्रोथ में जा रहा है, तो इसको मैंने यहाँ से वीक में डाल दिया। उसके बाद यहाँ आप देख सकते हैं एक और टहना नीचे को है, इस वाले को मैं यहाँ से रिंग से कट कर दूंगा, और यहाँ आप देख सकते हैं ये टहना ज़्यादा ग्रोथ में, इसको नीचे से इस तरह से हल्का सा इसमें जो है मैं कट दे दूंगा, ये आप देख सकते हैं। बाकी इसमें ज़्यादा जो है छेड़खानी मैं नहीं करूँगा, ये 90 डिग्री में पिन है, ज़्यादा स्ट्रांग है, तो इसको मैं निकाल दूंगा। ये पिन मुझे ठीक लग रही है, इसकी ये बिल्कुल 90 डिग्री में है और बहुत ज़्यादा ग्रोथ ले रहा है, तो इसको यहाँ से निकाल के बाहर वाली आइज की तरफ से मैंने इसमें हेडबैक दे दिया। उसके बाद आता है हमारा थर्ड टहना, यहाँ से आप देख सकते हैं इसको यहाँ से मैं रोक दूंगा। ये दोनों पिन्ने ठीक है, बीमा क्योंकि इस पौधे में कम है, तो मैंने ये पिन्ने रख दी, 90 डिग्री में होती तो मैं इसे निकाल देता। यहाँ से इसको मैंने निकाल दिया, यहाँ से इसको निकाल दिया, ये पिन आप देख सकते हैं ये डेफिनेट है कि ये भागेगी, तो इसको मैंने निकाल दिया, और यहाँ से जो है बाहर वाली साइड के लिए मैंने इसको कट कर दिया। उसके बाद ये नया टहना आया, यहाँ पर बीमा बना था, मैंने उसमें हेडबैक दे दिया, और ये जो है टहना मेरी जो नई ब्रांच है एक क्रिएट हो चुकी है। उसके बाद नीचे आप देख सकते हैं ये वाली ब्रांच है, यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें बीमा है, इसको मैंने निकाल दिया। उसके बाद बाहर वाली आइज जो हमारी होगी, जैसे यहाँ से ये बाहर है, इसमें टहने में ग्रोथ कम है, तो बाहर वाली आइज हमने छोड़नी है, बाकी इसे हेडबैक दे देनी है। उसी तरह से आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर भी जो है ये पिन थी, पिन पे मैंने कट मारता रहा, और ये भी जो है एक अच्छी ब्रांच बन चुकी है, यहाँ से बाहर वाली साइड मैंने इसे ला दिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे से इसमें बहुत सारे जो बड बने हुए, ये ब्रांच जो है ये ज़्यादा थोड़ी
आप देखेंगे तो ज्यादा ग्रोथ में। तो इसे मैं निकाल दूंगा, ये पिन बाहर को है, इसे मैं रहने दूंगा। ये 90 डिग्री में पिन है, इसको मैंने निकाल दिया, इसको भी मैं निकाल दूंगा। यहाँ से इसको कट कर देंगे और ये यहाँ बाहर वाली आइज है, वहां से हमने इसे चला दिया है। तो उसके बाद है हमारे पास ये वाला टहना, आप देख सकते हैं इसमें पिन्ने जो है सही बन रही है, यहाँ से ये ज्यादा ग्रोथ में है, ये देख सकते हैं आप बहुत ज्यादा ग्रोथ में है। तो यहाँ बीमा था, बीमे के पास से मैंने इसे काट दिया है, इसे भी मैं थोड़ा बाहर से बीमा था, बीमे के बाद ये टहना बन गया, तो इसे यहाँ से काट दिया। ऊपर से जो है इसे मैं सिंगल कर दूंगा, यहाँ आप देख सकते हैं इसको यहाँ से मैंने इस तरह से निकाल दिया और इसमें जो है अब मैं हेडबैक दे दूंगा, जहाँ बाहर वाली साइड को इसमें कहीं आइज होगी, यहाँ से इसमें बाहर आइज है, तो यहाँ से मैंने इसे काट दिया। उसके बाद आप देख सकते हैं ये वाला टहना है, यहाँ पर रिंग से कट किया था और इसमें जो है कितनी मोटी मोटी ब्रांचेज आ गई है, तो इसको यहाँ से मैं कट कर दूंगा, यहाँ से मैं कट करूंगा। यहाँ आप देख सकते हैं दो छोटे छोटे बीमे इसमें बन चुके हैं और ये एक पिन है, ये पिन भी मुझे लगता है कि काफी वीक है, तो इसको मैं छोड़ दूंगा। ये है, ये भी पिन है पर ये ग्रोथ में आ सकती है, तो मैं इसको निकाल दूंगा। इसको मैं यहाँ से आप देख सकते हैं रिंग है इसमें, तो रिंग के पास से जो है मैंने इसे कट कर दिया। इसे भी मैं यहाँ बीमा था, ये ग्रोथ में आ गया, ये भी बीमा था, आप देख सकते हैं ग्रोथ में आ गया, तो इसे मैंने कट कर दिया। यहाँ भी बड था, वो ग्रोथ में आ चुका है, तो मैंने इसे कट कर दिया और यहाँ जहाँ कहीं भी बाहर वाली आइज होगी वहां से मैं कट कर दूंगा। यहाँ आप देख सकते हैं जो आइज है वो बाहर की साइड है इसकी। उसके बाद देख सकते हैं आप ये नेक्स्ट टहना हमारा, ये यहाँ से जो है मुझे जो ब्रांच है वो ये वाली चाहिए, यहाँ पर ग्राफ्टिंग हुई हुई है, तो मैं इसको जो है ऊपर से मुझे बड भी चाहिए, इस वाली पिन को मैं यहाँ से आप देख सकते हैं निकाल दूंगा। उसके बाद ऊपर से इसे जहाँ रिंग होगा, रिंग से जो है मैंने इसे कट कर दिया, ये आप देख सकते हैं। और यहाँ से अगर इसमें आप देख सकते ऊपर थोड़ी इसमें लग रहा है मुझे कि बोल पाउडरी मिल रही है, तो इसमें मैंने हेडबैक दे दिया क्योंकि इसे अभी ग्रोथ में लेना है। ये वाला टहना जो है मुझे बनाना है, ये आप देख सकते हैं, तो इसको मैं यहाँ से इस तरह से कट कर दूंगा, जहाँ बाहर वाली आई है वहाँ से आप देख सकते हैं मैंने इसमें कट कर दिया है। उसके बाद है हमारा ये वाला टहना, इसको यहाँ से ये निकाल देंगे और जहाँ बाहर वाली आइज है वहां से इसे हेडबैक दे देंगे। उसके बाद ये टहना है, ये भी ग्रोथ में जा रहा है, यहाँ बीमा था ग्रोथ में चला गया, ये पिन है पर लंबी है, तो मैं इसको निकाल देता हूँ, ये छोटी पिन है इसको हम छोड़ देंगे। उसके बाद इसे मैं निकाल दूंगा और यहाँ से इसमें बाहर वाली आइज के थोड़ा सा ऊपर से लगभग आधा एक इंच ऊपर से आप कट करें क्योंकि ये सूख के भी आता है, तो इसका आप विशेष ध्यान रखें। इस तरह के जो बीमे हैं आपके उनको आप निकालने की कोशिश करें जो आपको लगता है कि इसी साल के, क्योंकि उनमें जो है आपके, यहाँ से इसको मैं बीमे से रोक दूंगा। ये वाला टहना अब हमारा है, ये आप देख सकते हैं ये है ऊपर, इसमें बड ग्राफ्टिंग यहाँ पर हुई, आपको कलर दिख रहा होगा, बड ग्राफ्टिंग इसमें हुई है, तो इसको भी मैं ऊपर से जो है सिंगल कर दूंगा। यहाँ से आप देख सकते हैं इस तरह से मैंने सिंगल कर दिया, बाकी इसमें ज़्यादा छेड़छाड़ मैं नहीं करूँगा। ये हमारा टहना है, यहाँ बीमे हैं, ये जो है थोड़ी ज़्यादा बड़ी थी पिंस, तो इनको मैंने निकाल दिया, इन दो को निकाल के ऊपर मैं हेडबैक दे दूंगा, जो भी बाहर वाली साइड जहाँ को जो हमने टहना ले जाना है, तो ये बाहर की है, यहाँ से हमने इसमें कट दे दिया है। और साथ में बात ये है, अगर आपके कहीं एक्सेस ग्रोथ है वहाँ पर आप हेडबैक वो दूर दें, और अगर आपका जो ग्रोथ है वो कम चल रही है तो आप हेडबैक जो है थोड़ी नज़दीक दे, मोटे में दे, ताकि जो है वहाँ पर मोटा टहना आए। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये जो है इतना जो है प्रोनिंग इसकी हो चुकी है। तो आप देख सकते हैं ये वाला पौधा है जो मैंने प्रोन कर दिया है, क्योंकि ऊपर का मैं आपको कटिंग करते हुए नहीं दिखा सकता था, कैमरा पकड़ने की जो है दिक्कत रहती है, और रोज रोज किसी को बार बार वीडियो बनाने के लिए बुलाना ये भी पॉसिबल नहीं है। तो ये आप देख सकते हैं मैंने इसकी प्रूनिंग जो है कर दी है, आप देख सकते हैं ये जो ऊपर दो टहने आपको दिख रहे हैं, लीडर को कंपटीशन दिख रहे हैं, इन दोनों को जो है बेंड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप यहाँ देख सकते हैं दोनों की जो बेंडिंग है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि लीडर को जो है ये कॉम्पिटिशन दे रहे हैं, तो इनकी बेंडिंग मैं कर दूंगा। बाकी आप देख सकते हैं इसमें जो है बड की कोई भी कमी नहीं है, 7 साल का जो है ये प्लांट है, बड इसमें काफी अच्छे है।
तो दोस्तों उम्मीद करेंगे आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह के जो वीडियो है आप लोगों तक पहुंचते रहे। आप हमें इंस्टा फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आपको मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।